acuh terik kuat rumah pasua itu sebenarnya yang sangat ini dihilang di timbang seadanya terus dengan motor BMP Bukti Holda Sri Rakis dengan Biasa Sektura Sesi Kandar Sinar 23 Meter Sri Kandar Pesat Priti Senang Sinar 23 Meter Ekuti Hukum Kandar Pesat Berwina स्वतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज उपस्थित मंचस्थ मान्य विधायक अध्यक्ष जिला परिषद जिला सत्र न्यायाधीश सीजीएम उपस्थित सभी पदाधिकारीगण जिला एसपी मीडिया के बंधु मेरे प्रिय जिलावासियों मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ही के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और उसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्र गणराज्य घोषित किया गया था। आज यहाँ के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल रहा है। विश्वास के साथ अपने धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। राष्ट्र की एकता और भाईचारा कायम रहे, आपसी बंधुत्व का भाव बना रहे और सभी को विकास के हर क्षेत्र में बराबर अवसर प्राप्त हो, इसी सोच के साथ आज हम सभी लोग इस तिरंगे के समक्ष उपस्थित हैं। आप सभी लोग अवगत हैं कि विश्व महामारी वैश्विक महामारी कोरोना काल से हम सब लोग गुजर रहे हैं और हमारा शेखपुरा जिला भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों की सहभागिता से और आप लोगों के सार्थक प्रयास एवं सहयोग से के बल पर ही हम लोग इस आपदा में डटकर मुकाबला करते रहे हैं और मुझे आशा है कि इसी प्रकार का परस्पर सहयोग एवं अपेक्षित सहभागिता आप सभी लोगों से हम लोगों को प्राप्त होती रहेगी। आज बहुत ही संक्षिप्त में हम लोग इस काल में किए गए हुए और आने वाले दिनों में जो वैक्सीनेशन के संबंध में बताना चाहेंगे। जिला में कोरोना वायरस का सफलतापूर्वक नियंत्रण करते हुए आप सभी लोगों को कोरोना से बचाव हेतु प्रथम चरण में सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं कोरोना वॉरियर्स जिसमें हमारे आंगनबाड़ी सेविका थी, हमारे पुलिस के जवान थे, उसमें बाकी सभी ऐसे कर्मी पदाधिकारीगण जिन लोगों ने आगे बढ़ के कोरोना काल में सभी लोगों की सेवाएं की, उनको प्रथम चरण में हम लोगों ने वैक्सीन का कार्य किया और ये कार्य 21 से शुभारम्भ किया गया और कुल 600 लोगों को अभी तक टीकाकरण किया जा चुका है। किसी भी प्रकार के कोई दुष्परिणाम इसमें सामने नहीं आए हैं। अभी तक कुल जिले में 182,957 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया था जिसमें मात्र 2,943 लोग सम्मिलित पाए गए और आज की तारीख में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है बताते हुए कि मात्र 2 ही लोग हैं जो अब एक्टिव हैं। तो हम लोग 99.9% तक सभी लोगों ने इस महामारी के ऊपर विजयी पाई है और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण श्रेय जाता है लोगों के अपने आत्मबल पर। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा लोगों का और उनको एक विश्वास चला कि इसके ऊपर अब आप कर सकते हैं, तो वो निश्चित जो रिजल्ट है उसमें दिखेगा। कोरोना मरीजों के इलाज हेतु हम लोगों ने जिला में एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर एवं एक ऑक्सीजन युक्त डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर खोला था जो एक ICU से भी संबद्ध था। कोरोना के बचाव हेतु घर घर में सर्वेक्षण किए गए जिसमें 1,25,399 घरों का सर्वेक्षण किया गया था। कुल 6,62,169 लोगों का व्यक्तियों का स्वास्थ्य जांच किया जा चुका। जिला में कोरोना के बचाव हेतु सर्वेक्षण के साथ साथ स्वास्थ्य जांच में कुल 64 चिकित्सा पदाधिकारी, 44 GNM, 182 ANM और 66 पैरामेडिकल कर्मियों ने अपनी समर्पित सेवाएं प्रदान की। ट्रूनेट किट के माध्यम से ही 9,190 सैंपल जांच किए गए एवं एंटीजन किट के द्वारा 1,45,148 सैंपल जांच किए गए हैं। हमारे जिले में कोविड केयर सेंटर में कुल 450 पॉजिटिव मरीज भर्ती हुए थे जिसमें कई स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। ये एक बहुत हर्ष का विषय है और अभी कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में एक भी एक्टिव मरीज भर्ती नहीं है। आप सभी लोगों को हम लोग ससमय ट्रैफिक अभियान के माध्यम से भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही
सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसको भी प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही पीपीई किट, सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर्स थे उनको उपलब्ध कराया गया। इस विषम परिस्थिति में भी हम लोगों ने विधानसभा निर्वाचन आम निर्वाचन चुनाव 2020 इस जिले में आस्पिरिनों की सहभागिता और संपूर्ण सहयोग से शांतिपूर्ण संपन्न करवाया। कोरोना के साथ साथ जो एक अति महत्वपूर्ण विषय हमारे जीवन से प्रभावित जिससे होता है वो जल जीवन हरियाली विषय है। विगत एक वर्ष से इसके संबंधित सभी कार्य जिले में सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं और इसके अंतर्गत अभी तक 205 हम लोगों ने सार्वजनिक तालाब, आपातकालीन का जल निर्माण, उड़ाई इत्यादि काम किया है और इसी प्रकार से कुओं को जीर्णोद्धार भी किया गया है। विभिन्न जो विभाग है उनके द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अग्रतर कार्रवाई सतर्क की जा रही है और इसी क्रम में हम लोगों ने इस वर्ष से ही मुख्यालय स्तर से शुरू हुआ है जल जीवन हरियाली दिवस जो प्रत्येक महीने के मंगलवार को आम जनों की जागरूकता लाने के लिए मनाया जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर ऐसे मौसम में भी उपस्थित हुए, विशेषकर बच्चे, इन लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप लोग उसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप इस देश के भविष्य हैं। आप अपने आप को सक्षम बनाएं, काबिल बनाएं, खूब अच्छे से मेहनत करें और ईमानदार कोशिश करें ताकि आप स्वयं, आपका परिवार, समाज, देश के लिए हम लोग कुछ अच्छा कर सकें और एक अच्छा योगदान अपने इस देश को अच्छा और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मनाएं। इस गणतंत्र दिवस की पावन केला पर उपस्थित सभी शेखपुरा वासियों को उनके उज्जवल भावना, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग भारतीय गणतंत्र के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं समर्पण का भाव हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।